तो वहीं राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के डेलीगेशन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने के बाद मुलाकात के बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का बयान सामने आया। बता दें कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने बयान में कहा है कि इस मुलाकात में आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 सीटें कैसे जीती जाए इसको लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस की 17 और बाकी के अन्य सीटों पर गठबंधन एक दूसरे की मदद के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में जो 80 हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, हर एक की विजय को आश्वस्त करने के लिए जो हमें समन्वय आगे करना है, दोनों पार्टियों की विभिन्न योजनाओं को लेकर कैसे हम उनको एकत्र लाकर सामूहिक रूप से कोई उनसे कैंपेन करना है। मुझे खुशी है कि गठबंधन के ऊपर में बहुत अच्छा एक चलचित्र भी छोटा उन्होंने बनाया हुआ है, और इस सबके साथ में मुख्य रूप से आज की ये सौहार्द बैठक थी जिससे आगे आने वाले दिनों में इस चुनाव को किस प्रकार से हम किस रणनीति के तहत आगे लड़ेंगे उन सब विषयों पर चर्चा